माय नेम इज़ डॉक्टर संजय जैन। मैं दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ लीवर और डाइजेस्टिव डिजीज डिपार्टमेंट में। आज मैं आप लोगों से फैटी लीवर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई फैटी लीवर है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ हद तक सही है और वो कुछ हद तक सही नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे पास सिरोसिस से आते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर से, और वो कहते हैं जी हमने तो ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी, डॉक्टर साहब हमें सिरोसिस क्यों हो गई। वो बात तो उनकी सही है कि उनको सिरोसिस क्यों हो गई। इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको फैटी लीवर पर वापसी लेके जाना चाहता हूँ। मोटा मोटा देखा जाए तो फैटी लीवर दो तरीके का होता है। एक तो वो सादे किस्म का फैटी लीवर जो कि लीवर को कोई नुकसान नहीं कर रहा, जिसमें फैट्स ज़्यादा नहीं है और जिसकी कोई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नहीं है, और एक दूसरे किस्म का फैटी लीवर जो कि लीवर को नुकसान कर रहा है, उसमें सूजन कर रहा है, उसमें फाइब्रोसिस कर रहा है, और यही सूजन और फाइब्रोसिस बाद में लीवर सिरोसिस में बदल जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको फैटी लीवर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। काफ़ी चांस है कि वो कुछ और टेस्ट भी आपके कराएगा, उसमें खून के टेस्ट हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, लीवर का फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राफ जैसा टेस्ट हो सकता है। उसके बाद ही वो आपको सही सलाह देगा कि आपका ये जो फैटी लीवर है इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। काफ़ी चांस है कि आपका फैटी लीवर कुछ करने की ज़रूरत ना हो, ना हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका फैटी लीवर ऑलरेडी इस स्टेज में है कि जिसमें सूजन है, जिसके अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, दीज आर द पेशेंट्स, यही वो लोग हैं जो बाद में धीरे धीरे सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको और बहुत तरह की लीवर प्रॉब्लम होने वाली है। और जब उनका इस स्टेज पे पकड़ा जाए बहुत तरह के इलाज अवेलेबल हैं। डॉक्टर ये भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई इसको ये फैटी लीवर क्यों हुआ, साथ में डायबिटीज़ तो नहीं है, साथ में इसके लिपिड्स तो ख़राब नहीं है, साथ में कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इसका वेट ज़्यादा है कि कम है, वगैरह वगैरह। तो और भी जो ज़रूरी टेस्ट होंगे वो डॉक्टर उनको करेगा। और अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो फॉर्चुनेटली हमारे पास सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव मेडिसन्स हैं जो कि इस स्टेज पे इंटरवीन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करेगा। मेडिसिन एक तरफ है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दूसरी तरफ है, और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दवाओं से भी ज़्यादा ज़रूरी होगा जो आपको फॉलो करना होगा। डाइट मॉडिफिकेशन भी शामिल होंगी, एक्सरसाइजेस भी शामिल होंगी। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर फैटी लीवर है तो डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट, कन्फ्रंट इट, फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ और कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।